अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो हमारे लिए बहुत आसान कर देती हैं काम को। जो भी चीज़ हमें समझनी हो, करनी हो या कोई आइडिया लेना हो, जैसे कि चैट जीपीटी बहुत ही फेमस है। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और बहुत सारे जो भी नई रिसर्च जिन्होंने शुरू की है उनको बहुत सारा लिटरेचर सर्वे करना पड़ता है, लिटरेचर बहुत सारे पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ये होता है। तो आजकल एआई के दौर में ये बहुत ही आसान हो गया है और कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री में बहुत सारी चीज़ें करके दे देती हैं। तो आज हम ऐसी ही एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हम रिसर्च पेपर्स को रीड करना, उसकी समरी बनाना और दीगर बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल हैं, तो उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वेबसाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इंतहाई यूज़फुल वेबसाइट है। तो चलिए मेरे साथ। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। साइस्पेस वेबसाइट है, जबकि इसका यूआरएल है typeset.io। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, typeset.io। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास सामने वेबसाइट ये वाली ओपन हो जाएगी जिसमें डू आवर्स वर्थ ऑफ रीडिंग इन अ मिनट्स। तो यहाँ पे साइट पे ऊपर की तरफ आपको ऑप्शन नजर आ रहा है लॉग इन या साइन अप करने का, तो आप लॉग इन बना लें, इसमें बेहतर है। आपका जो डेटा है वो इसमें फिर सेव होता रहेगा। तो मैंने इसको गूगल के साथ ही लॉग इन इसका कंटिन्यू किया हुआ है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये अब मेरी ऑलरेडी इसमें लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में यानी कि मैंने ऑलरेडी कुछ पेपर्स जो हैं वो रीड किए थे इसके थ्रू, तो वो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहे हैं। हम इसके होम पेज पे ही आ जाते हैं दोबारा। तो होम पेज पे आपके पास सामने ही आपको नज़र आ रहा है अपलोड अ पीडीएफ। आपने जो पेपर रीड करना है या करवाना है, मतलब वो ऑलरेडी आपके पास डाउनलोड आप कर लें, और यहाँ से मैं एक पेपर जो है वो अपलोड इस पर कर देता हूँ। ये मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, इसी फोल्डर के अंदर मैंने इस पेपर को जो है वो अपलोड कर दिया है। अब आप देखेंगे ये इस तरीके से आपके पास पेपर लेफ्ट साइड पर सामने आ जाएगा और राइट साइड पर आपके साथ इसके साथ एक को पायलट अटैच हो गया, यानी कि एक रोबोट अटैच हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मॉडल अटैच हो गया इसके साथ, जो कि इस पेपर को रीड करने में आपकी हेल्प करेगा पूरी पूरी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल क्वेश्चंस ऑलरेडी इसने बनाए हुए हैं कि एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट इन टू लाइंस, व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस, फाइंड रिलेटेड पेपर्स, एक्सप्लेन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस, लिटरेचर सर्वे इस पेपर का अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो एक समरी आपको बना के दे देगा, मेथड्स कौन से यूज हुए हैं। इस तरीके से कुछ ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिटरेचर सर्वे ऑफ दिस पेपर पे क्लिक करता हूँ तो ये विद इन फ्यू सेकेंड्स जो है मुझे इसका एक छोटा सा समरी या लिटरेचर सर्वे ये आ चुका है, ये बना के दे देगा कि दिस पेपर डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ दिस दिस, और ये इसने सारा एक मेन पॉइंट जो है इस पेपर का वो डिस्कस करके मुझे दे दिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और आपको कोई लाइन समझ में आती है यहाँ से, मतलब समझ में नहीं आती, तो यहाँ से मैं ये कुछ हिस्सा जो है वो, एक तो सिलेक्शन का बड़ा मसला होता है इस तरह के डॉक्यूमेंट में, कुछ ये तीन लाइनें फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास हाईलाइट हो गया कि यार मुझे इसकी समरी चाहिए। समरी के लिए मुझे 50 वर्ड्स एटलीस्ट जो है वो सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है, समरी नहीं चाहिए। एक्सप्लेन करना है इस टेक्स्ट को, या इससे रेलेवेंट पेपर मुझे दिखा देगा वो कि ये इसने जो टेक्स्ट उठाया है या इसने जो कोड किया है वो कहाँ से किया। तो मैं इसको एक्सप्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो तीन लाइन्स मैंने सिलेक्ट की हैं ये इसको और आसान करके, देखें थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ बना के इसने दे दिया, क्योंकि ये आसान करके ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि इसमें देखें पायरोलिसिस टेक्निक का वर्ड आ रहा है इन तीन में, तो इसने मुझे पायरोलिसिस का प्रोसेस भी एक्सप्लेन कर दिया सारा इन तीन लाइंस में जो मैंने इसको हाईलाइट करके दी थी। इसमें पायरोलिसिस का वर्ड आ रहा था तो इसने पायरोलिसिस जो है वो भी एक्सप्लेन कर दिया और इस टेक्स्ट को आसान बना दिया मेरे लिए सारा कुछ, ठीक है। अब इसमें ऊपर की तरफ आप देखें तो ये एक्सप्लेन मैथ एंड टेबल आ रहा है अलग से। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा या मैं डायरेक्ट यहाँ से भी
जो है वो फार्मूला भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगेन एक्सप्लेन मैथ एंड टेबल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जो है वो एक कर्सर मेरा इस तरह से बन गया। अब मैं ये हाईलाइट कर लेता हूँ इतना हिस्सा, ठीक है। ये एक फार्मूला है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये इसके पास इस तरह इमेज की फॉर्म में इसको सेंड हो गया। अब ये मुझे इसका जो है वो फार्मूले को एक्सप्लेन कर देगा कि भाई ये है क्या। द हाईलाइटेड टेक्स्ट कंटेन्स थ्री इक्वेशंस दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट पैरामीटर्स रिलेटेड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ आइबुप्रोफेन। ये इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये वाला फार्मूला क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सेकेंड फार्मूला क्या कर रहा है, तीसरा फार्मूला जो है वो किस चीज़ का है। जबकि इस पेपर में अगर आप देखें तो इसने सिर्फ इतना सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मतलब इसने ये बताया हुआ है कि CO, CT, CEM जो भी इसमें वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जो भी फार्मूले के अंदर वो क्या चीज़ें हैं। जबकि को पायलट ने मुझे इसको डिटेल में सारा कुछ समझा दिया है इसके अंदर। तो ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट है, और इसमें आप अपने तौर पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकते हैं। जैसा कि मैं अब अपना अपना एक क्वेश्चन जो है वो इसको दे देता हूँ कि व्हाट आर द रिजल्ट्स टेंट, ठीक है। ये मैंने इसको अब खुद से एक क्वेश्चन जो है वो दे दिया है। तो अब ये इसमें से मुझे बता देगा कि पेपर ने जो है रिपोर्ट किया द सिंथेसिस ऑफ नोवल हेलो मेसोपोरस कार्बन दिस दिस दिस, ठीक है। तो ये इसने मुझे एक रिजल्ट बता दिया। कंक्लूजन पूछूंगा, कंक्लूजन बता देगा, और ये बहुत सारी चीज़ें। अब कोई ऐसी चीज़ जो मैं स्पेसिफिकली मैं ढूंढना चाह रहा हूँ और मैं इसको पूरे को रीड नहीं करना चाह रहा कि भाई इसने कुछ ऐसा बताया है कि नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल ये एडसॉर्प्शन का पेपर है और कई दफ़ा वो डिसॉर्प्शन भी इसमें यूज़ करते हैं कि आपका वो कितनी रिकवरी हुई है वगैरह। तो मैं इससे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, डिड दे परफॉर्म डिस ऑप्शन। अब मैं डायरेक्ट इससे पूछ लेता हूँ, मैं पेपर को रीड नहीं करता, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ कि इन्होंने डिसॉर्प्शन की है कि नहीं की है। उसने बता दिया जी दिस पेपर इंक्लूड्स रीयूजबिलिटी स्टडी टू एक्सेस द स्टेबिलिटी एंड रीजेनरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि हम एडसॉर्प्शन करते हैं तो फिर उसका एफिशिएंसी चेक करने के लिए डिसॉर्प्शन करते हैं, तो इन्होंने भी डिसॉर्प्शन की है और किस तरह की है वो भी इसने मुझे बता दिया है कि इन्होंने एसेटिक एसिड को एज अ एलुएंट जो है वो यूज़ किया और ये सारा कुछ। तो इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर करें, बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। अगर आप पेपर रीड कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान आसान लफ्जों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। आप इसको दोबारा क्रॉस आर्गुमेंट्स जो है वो देते रहें कि आपको नहीं समझ आ रही, इसको मजीद आसान करके बताएं, या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको पेपर में नहीं समझ आ रहा, कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें क्लियर नहीं होते कि यार ये क्या चीज़ है, तो वो उसको भी एक्सप्लेन कर देगा कि यार ये क्या है। अब मैं इसको एक और कोई कमांड दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन मैथड एंड टेबल जो है इसको मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ और मैं इसको ये वाला टेबल जो है इस दफ़ा दे देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसको इक्वेशंस दी थी, ये टेबल मैं इसको दे देता हूँ। ये टेबल जो है ऑटोमेटिकली आप देखें कि सेंड हो गया को पायलट को और अब ये इसको प्रोसेस कर रहा है और मुझे ये पूरा इसने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है जी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है कि टेबल क्या प्रोवाइड कर रहा है, फलाना फलाना फलाना, टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं, सरफेस एरिया है, और इधर से आई थिंक इस ग्राफ को भी हम एक्सप्लेन करवा सकते हैं। आई डोंट नो, चेक करते हैं कि ये अगर मैं ये वाला ग्राफ इसको दे दूं इतना, तो क्या ये इस ग्राफ का मुझे जो है वो कुछ बताएगा इसके बारे में या ये कुछ एरर देगा। देख तो बता दिया इसने, दिस हाईलाइटेड टेक्स्ट डिस्क्राइब अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू टाइप ऑफ कार्बन मटेरियल। अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज़्यादा पेपर्स को रीड कर सकेंगे और आप फौरन ही ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये पेपर आपके काम का है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक चीज़ आप तलाश कर रहे हैं पेपर में तो आप पहले ही इसको कमांड दे दें कि भाई ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई है या नहीं की गई। नहीं की गई तो आप उस पेपर को हटा दें और आप दूसरे पे चले जाएँ। तो ये इसने एक क्वेश्चन में लास्ट इसको और दे देता हूं कि इलेबोरेट इलेबोरेट दी
कंक्लूजन इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है जी। कंक्लूजन इन्होंने भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको ये कमांड देता हूँ कि वो जरा आसान लफ्जों में मुझे, तो ये छोटा सा इसने मुझे कंक्लूजन बना के दे दिया। दिस पेपर डिस्क्राइब दिस टेस्टेड फॉर इट्स एबिलिटी टू रिमूव आइबुप्रोफेन एंड इट वाज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव, ब्ला ब्ला, ठीक है जी। होपफुली ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसको यूज करें। और इसके अंदर और भी कुछ फंक्शंस हैं इस वेबसाइट के अंदर, साइटेशन जनरेटर भी है इसके अंदर, इसका भी मैंने यूज करके देखा था, ये भी यूजफुल है। साइटेशन अगर आपने, कहाँ गया, अगर आपने जनरेट करनी है साइटेशंस सबको देनी होती हैं, ये मेरा कुछ पुराना इसमें डेटा शो कर रहा है, तो यहाँ लाके मैं अपना जो टाइटल है पेपर का उसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पर सर्च कर रहा है कि इस टाइटल के नाम से कोई पेपर है या नहीं है, तो ये आपके सामने इसने शो कर दिया। और मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारी चीजें देखें इसकी बता रहा है, वॉल्यूम क्या है, इशू क्या है, DOI, पब्लिशर, सब कुछ अलग अलग इसने करके बता दिया। अब ये साइटेशन इसने राइट साइड पे APA 7th एडिशन की साइटेशन मुझे दे दी है, जिसको मैं यहाँ से इजीली कॉपी कर सकता हूँ। इसके बाद इसने मुझे इन टेक्स्ट साइटेशन भी दे दी है, जो कि हम जब अपना पेपर में लिखते हुए रेफरेंस डालते हैं तो हमें ये लिखना पड़ता है, ट्रायन इटाल, दो या तीन से ज्यादा इसके लिखने वाले होंगे तो इटाल लग जाता है। तो यहाँ से हम जो है वो कॉपी करके इन टेक्स्ट साइटेशन भी कॉपी कर सकते हैं और जो साइटेशन है वो भी कॉपी कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और खास तौर पे अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। तो इसको एक्सप्लोर करें, और दीगर और भी बहुत सारे AI टूल्स हैं जिन पे मैं वक्तन फवक्तन वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे यूज़फुल लग रहा है उस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊँगा, आपके साथ भी शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।